नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं परहा टाइम्स। इस समय मौजूद हैं हम मुबारक हाल में। यहाँ पर यूनिवर्सल आईएएस एकेडमी का जो है आयोजन किया गया था। यहाँ पर आईएएस में जो है एडमिशन ले सकें, इस बारे में यहाँ पर जो है एक कॉन्फ्रेंस भी रखी गई थी। इस कॉन्फ्रेंस में जो है मुमरक के आईएएस जो ऑफिसर हैं एजाज अहमद, वो यहाँ पर आए थे। आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिर जो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी इसके बारे में उनका क्या कहना है। आईआरएस का कोर्स कर चुके हैं, तो आप आईएएस का बनने का कैसे? एक्चुअली जो सबसे टॉप सर्विस होती है वो आईएएस होती है। तो आईएएस में जो बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं सर्विस में, जिससे आप डायरेक्ट इंटरफेस रखते हो पब्लिक से, तो उसी की वजह से मैंने आईएएस चुना था। आपने जो जब ये ठाना आईएएस बनने का, तो आपकी ज़िंदगी में कितना उतार चढ़ाव आया और कितनी बार आपने कोशिश की जो है आईएएस बनने की, मतलब बने, कितनी बार आप जो है नाकाम हुए? एक्चुअली सारे जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं ना, सबके आते हैं। मैंने 5 बार दिया, 5 बार फेल हो गए। 6ठी बार में पास हुआ था मैं, तो 6ठी बार में मुझे आईआरएस मिला था। लेकिन फिर मैंने वापस से, मेरा जो एम था वो आईएएस बनने का था, तो इसीलिए मैंने फिर से अगला अटैम्प्ट दिया और 7वीं बार में मैं आईएएस बना। सर, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मतलब ये कोर्स करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, गरीबी है उनके पास, तो इन लोगों के बारे में आप कुछ ऐसा कुछ ये है कि जो उनकी सहायता कर सकें? नहीं, एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना पूरा का पूरा सपोर्ट करती है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर है, उसने एक प्रोग्राम चला, बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है वो, तो आप उससे हेल्प ले सकते हो। वो फ्री कोचिंग भी प्रोवाइड कराते हैं, रहने खाने का सारा इंतज़ाम करते हैं वो। तो अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट पर जाके चेक करेंगे, तो ऐसे लोग जो इसी फील्ड में जाना चाहते हैं, उनका मेरा यही सजेशन है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर की वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ से इन्फॉर्मेशन लें। वहाँ आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा ये सारी इन्फॉर्मेशन। अभी आप मुंबरा से जो है कुछ ऐसे हैं आईएएस जो बनना चाहते हैं, आपके संपर्क में हैं? हाँ, बहुत सारे लड़के हैं जो मतलब तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको गाइड कर रहा हूँ। और बहुत सारे अभी आईएएस एग्जाम मतलब आता हूँ मैं जब भी, तो ऐसे लोग मिलते हैं तो उन्हें फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए मैं कनेक्ट करके रखता हूँ, लोगों को गाइड करता रहता हूँ। और आप यहाँ जो मुंबरा वासी हैं, इन लोगों को आप और क्या कहेंगे? ये कि मतलब गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए आपका, आप आईएएस आईपीएस बनना चाहिए लोगों को। पहले गाइडेंस की कमी थी, लेकिन अब चूंकि अब आपके पास गाइडेंस भी है, आपके पास रिसोर्सेज भी है, तो यू शुड ट्राई टू बिकम आईएएस आईपीएस। सारे गवर्नमेंट सर्विसेज में आपको जाना चाहिए। आज जो आप यहाँ पर आए थे, तो मतलब इसका क्या उद्देश्य था, क्या यहाँ का? ये इंटरेक्शन प्रोग्राम था, जो मतलब बच्चे थे जो मतलब इस एग्ज़ाम के बारे में नहीं जानते थे, तो एक अवेयरनेस क्रिएट करना था और उनको गाइडेंस चाहिए था। इसके लिए मैं यहाँ पर आया हुआ था कि उनको अवेयर कर सकूँ कि ये गवर्नमेंट, खास करके गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब्स होते हैं और स्पेशली जो हायर लेवल के जॉब्स होते हैं, सेंट्रल सर्विसेज होती हैं और ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, तो इसके बारे में बच्चों को बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट किया मैंने और उनको बताया कि एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या रूल्स हैं, कैसे कंडक्ट किया जाता है, क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, ये सारी चीज़ें बताना था। तो इसके लिए ये सेमिनार कंडक्ट किया गया था। ऐसा कुछ नहीं, रिसोर्सेज की कमी पहले हुआ करती थी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मुंबई में रिसोर्सेज कमी है। लाइट भी सही रहती है और बाकी सारी रिसोर्सेज की जो चीज़ें हैं वो सारी अवेलेबल हैं। बस ये है कि अगर आपको करना है, तो अगर आपने ठाना है, तो आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए कि आपको आईएएस बनना, आईपीएस बनना है। तो ये आपको डेडिकेशन के साथ, लगन के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत करनी चाहिए। सर, आप कह रहे थे कि जो है आप जब आईएएस बने, तो उस समय जो है इंटरनेट का उतना बोलबाला नहीं था, लेकिन आपने जो है फिर किस तरह से इतनी पढ़ाई की और इतने आगे कैसे है? नहीं, हम लाइब्रेरीज में पढ़ा करते थे, हम पूरी तरीके से किताबों पर डिपेंड करते थे। तो किताब आप, चूँकि किताबें ढूंढने में टाइम लगती हैं, पढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन अब आप मोबाइल में देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल होता है। तो अगर अब आप जहाँ भी चाहे चलते फिरते चाहे आप एसेस कर सकते हैं, तो इंटरनेट ने बहुत हद तक एजुकेशन को एसेसिबिलिटी बढ़ा दी है, तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ईजिली कर सकते हैं नॉलेज गेन करने के लिए। आईएएस ऑफिसर एजाज खान आए थे, उन्होंने जो है युवाओं को जो है बताया कि किस तरह से आईएएस बनने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है, दिन रात एक कर दिया है पढ़ाई करने के लिए, उसके बाद वो इस मुकाम तक पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा कि उस ज़माने में जो है इंटरनेट का साधन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने लाइब्रेरी से जो है किताबें पढ़ी और जो है इस मुकाम तक पहुँचने के लिए जो उन्होंने कई अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखे। उन्होंने ख़ास तौर पर युवा वर्ग को इस बारे में कहा कि जो है वो जो है इंटरनेट, आज उनके ज़माने में जो इंटरनेट का साधन आ गया है, वो इंटरनेट से जो है हर तरह की पढ़ाई कर सकते हैं, हर जानकारी निकाल सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने जो है तकरीबन 5 से 6 बार जो है इम्तिहान में फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने हौसला जो है छोड़ा नहीं, उन्होंने अपने हौसले को बरकरार रखा और आज उन्होंने वो जो है आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। इसी तरह से उन्होंने युवाओं को भी कहा है कि वो कितना भी मरतबा अगर फेल होते हैं, अपने हौसले को बुलंद रखे, अपनी निराश ना हो, आगे चलकर उन्हें कामयाबी ज़रूर मिलेगी।